सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल समाधान चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंडसइंड बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं और उसका इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आपको इस पेज पर आ जाना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यूजर आईडी पासवर्ड होने पर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यू यूजर है तो न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट विकल्प व्यू एंड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। अगर यदि आप ओनली व्यू पर क्लिक करते हैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है, आपकी चेकबुक पर आपका अकाउंट नंबर डला होगा देख करके आपको डाल देना है। नीचे आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है, डेबिट पिन नंबर डाल देना है, डेबिट कार्ड के एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना है। नीचे आपको आपके डेबिट कार्ड का CVV नंबर डाल के सबमिट करना है। अगर यदि आपके पास में डेबिट कार्ड का पिन नंबर नहीं है तो आप डोंट हैव पिन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दोनों ही विधि बताने वाला हूँ। अगर यदि आपके पास में ATM पिन नंबर है तो आप आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे, और अगर यदि ATM पासवर्ड नहीं है तो आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं हमारे पास में ATM पासवर्ड मौजूद है। पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा, OTP दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें। प्राप्त नहीं हुआ SMS तो रिसेंड OTP पर क्लिक करें, OTP प्राप्त करें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आप अपने पसंदीदा यूजर आईडी पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लीजिए तो नीचे कंफर्म पर क्लिक कीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। आप स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं जैसे स्टार हैज स्लैश। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप अपना पसंदीदा क्वेश्चन सिलेक्ट करें और उसका आंसर फिल कर दें। नीचे बॉक्स को चेक मार्क करें और कंफर्म पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करके आपने जो अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उसे डाल देना है और नीचे साइन इन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग साइन इन हो जाएगा और आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप अपना ATM पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर यदि आपको ATM पासवर्ड नहीं मिला है तो आप यहां तक प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। चलिए हम यहां पर शुरू से आ जाते हैं। यहां डोंट हैव पिन पर क्लिक करना है, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है, आपको एक्सपायरी मंथ ईयर डाल देना है, CVV नंबर डाल देना है और यहाँ पर कैप्चर कोड फिल कर देना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको ऊपर कस्टमर आईडी डाल देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड में से कोई भी एक चीज दे देना है और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करने के बाद नीचे सेट पिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना पसंदीदा 4 अंकों का डेबिट कार्ड पिन बना सकते हैं। पिन नंबर दर्ज करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करें। आपका डेबिट कार्ड पिन नंबर सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको फिर से इसी पेज पर आ जाना है और सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अब आपने अपना डेबिट पिन नंबर ही बना चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन दें और नीचे सबमिट पर क्लिक करें। आपको इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर आ जाना है। आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ साइन इन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर यदि आपको आपका यूजर नेम नहीं पता तो फॉरगेट यूजर नेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है, नीचे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, पैन कार्ड नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुंचाया जाएगा। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी पहुंचा दिया गया है। यहां पर आप ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें, पासवर्ड ना होने पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें, यूजर आईडी डालें, सबमिट पर क्लिक करें, यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर डाल दें, डेबिट कार्ड पिन नंबर डाल दें, डेबिट कार्ड एक्सपायरी मंथ ईयर डालने के बाद नीचे CVV नंबर डाल दें, कैप्चर कोड डालने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें, कंफर्म पर क्लिक करें। अब आप अपना यहाँ पर नया इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड बनाएं और नीचे कंफर्म पर क्लिक करें। अब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन चुका है, लॉगिन पर क्लिक करें। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद नीचे साइन इन पर क्लिक करें, पसंदीदा क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके और उसका आंसर फिल करें, नीचे बॉक्स को चेक मार्क करें, नीचे सिक्योर नाउ पर सिक्योर कर सकते हैं आप सेंड OTP पर, या तो फिर आप डू लेटर पर क्लिक करके इसे स्किप कर सकते हैं। आपका डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कस्टमर सर्विस यहाँ सर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अन्य और भी सर्विस दी गई है जिसका लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।